हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे विंटेज लुक वाली एडिटिंग। सो आप किस तरह विंटेज वाली टोन दे सकते हो अपने फ़ोटो पे, जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर इमेज कितनी कमाल की लग रही है विंटेज लुक में। सो इसी तरह की लाइटरूम एडिटिंग हम करेंगे लाइटरूम मोबाइल पे। सो अपना फ़ोटो आपको इम्पोर्ट कर लेना है लाइटरूम में। सो अपना फ़ोटो लाइटरूम में इम्पोर्ट करने के बाद सबसे पहले आएंगे इस बेसिक एडजस्टमेंट टूल पर, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम करते हैं और हाइलाइट्स को हम यहाँ पे कम करेंगे, शैडोज़ को हम यहाँ पे कम करेंगे। यहाँ पे शैडोज़ में एडजस्ट कर रहा हूँ और वाइट को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। नंबरिंग आप देख सकते हो मैंने किस नंबर पे रखा है। ब्लैक्स को हम यहाँ पे कम करेंगे और शैडोज़ को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कम किया हुआ है। ओके, अब आता है टेम्परेचर पे। तो इसकी टेम्परेचर हम थोड़ी सी यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे, माइनस की ओर लेके जाएंगे और टिंट को यहाँ पे हम प्लस की ओर लेके जाएंगे और वाइब्रेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, सैचुरेशन को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे अराउंड 50-60 के आसपास। अब कलर काफ़ी वाइब्रेंस हो के आ रहे हैं, सो कलर चॉइस पे पिकर पे जाएंगे और यहाँ पे सैचुरेशन कम करेंगे और ऑरेंज टोन की सैचुरेशन कम करेंगे और ल्यूमिनेंस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब येलो टोन की बारी, येलो कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे सैचुरेशन कम करूँगा और ल्यूमिनेंस को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हुआ हूँ जस्ट +2 एंड यू को यहाँ पर हम कम करेंगे माइनस की ओर। सो यू आप अपने हिसाब से चेक कर लेना आपको कौन सा टोन में चाहिए। सो मैंने यहाँ पे ये ऑरेंजेस टाइप की टोन दी है। सो मैंने ग्रीन पे यू को -100 किया हुआ है, ल्यूमिनेंस और थोड़ा सा सैचुरेशन को मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया हुआ है और ल्यूमिनेंस को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कम किया हुआ है। अब आते हैं एक्वा कलर पर, इसकी यू और सैचुरेशन मैंने माइनस की है, ब्लू की सैचुरेशन मैंने माइनस किए हुए हैं और लुमिनेंस यू अपने आप को मतलब अपने फ़ोटो के हिसाब से डालना है आपको और यहाँ पे लुमिनेंस मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ की हुई है, बाकी इसे कलर रहने देंगे। और अब आते हैं कलर व्हील पे। ओके, शैडोज़ को मैंने यहाँ पे देख सकते हो मैंने यू 338 रखा हुआ है और सैचुरेशन 50 है। मैंने पर्पल कलर पे सिलेक्ट किया हुआ शैडोज़ और मिड टोन है यहाँ पे, मिड टोन मैंने पिंक, यहाँ पे मैंने येलो हाईलाइट की ओर किया हुआ है, येलो की ओर देख सकते हैं यू 55 है। और अब हाइलाइट्स की बात करेंगे और हाइलाइट्स को हम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने यू यहाँ का 1, यहाँ पे यू 62 है और सैचुरेशन 16 है येलो टोन पे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और इसका हम यहाँ पे टेक्सचर और क्लैरिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे अराउंड 10 दोनों पे आप रख सकते हो। डीहेज को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और विग्नेट को हम यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे, विग्नेट को हम यहाँ पे कम करेंगे और बाकी सारे ऑप्शंस ऑप्शनल हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे किसी भी को छेड़ के देख सकते हो टूल को। और इसकी शार्पनेस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, यहाँ पे मास्किंग भी इंक्रीज़ करेंगे, नॉइज़ रिडक्शन भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और कलर नॉइज़ रिडक्शन आप अराउंड 25-50 के बीच में रख सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा बिफ़ोर एंड आफ्टर। सो देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर काफ़ी कमाल की लग रही है एडिटिंग, सच बता रहा हूँ काफ़ी कमाल की एडिटिंग लग रही है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे कर्व भी चेक कर लेते हैं, कर्व अगर आप यूज़ नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको पॉप करने के लिए थोड़ा सा ग्लो करने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। इसकी हाइलाइट्स को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हुआ है और रेड कलर वाली टोन में भी सेम करेंगे इफ़ेक्ट। आप कर्व को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आपको उतना ही आइडिया होगा कलर्स और कितने कैसे आपको अपने फ़ोटो में नए नए कलर्स ऐड करने हैं। कर्व काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो कर्व बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना, ज़्यादा अगर गलती हो जाती है तो पिक्चर बिगड़ भी सकती है। तो देख सकते हो बिफ़ोर
एंड आफ्टर काफ़ी कमाल की लुक लग रही है। इसी तरह की एडिटिंग आप कर सकते हो अपने फ़ोटो पे, अप्लाई करो इसको अपने फ़ोटो पे और देखना बहुत ही कमाल की लुक आएंगी। तो ओके, कुछ मैं प्रीसेट भी चुन लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने विंटेज मैंने टू यहाँ पे सिलेक्ट की है, यहाँ पे विंटेज, यहाँ पे वन। ये प्रीसेट आपको अपने लाइटरूम मोबाइल पे ऑटो मिल जाएंगी, ऑलरेडी रहेंगी। सो आपको बस सिलेक्ट कर लेना है और मैंने इसको थोड़ा 120 को 120 तक इंक्रीज़ किया हुआ है। और ये रहा बिफ़ोर एंड आफ्टर फाइनल। सो बहुत ही कमाल की एडिटिंग हुई है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के कमाल की वीडियो मैं लाता रहूँगा अलग अलग कलर टोन के साथ।